बेंगलुरु के रहने वाले शुभेंदु शर्मा अफसोस करने वालों में से नहीं है, बल्कि उस गुजरे हुए वक्त को पलट कर वापस लाने वालों में से है। मेरे साथ स्वागत कीजिए इंडस्ट्रियल इंजीनियर एंड इको एंटरप्रेन्योर शुभेंदु शर्मा। मैं एक इंजीनियर हूं और कुछ साल पहले तक मैं टोयोटा के लिए गाड़ियां बनाता था। वही मेरी मुलाकात जापान के एक वैज्ञानिक डॉक्टर अकीरा मियावाकी से हुई, जो हमारी फैक्ट्री को प्रदूषण मुक्त करने के लिए वहां पर एक जंगल बनाने के लिए आए थे। उनके साथ मिलकर हमने 2.5 एकड़ में 30,000 वृक्षों का एक घना सा जंगल लगाया। मैंने तेजी से इस जंगल को बढ़ते देखा। किसी आम तौर पर किए गए वृक्षारोपण की तुलना में इन जंगलों में 30 गुना ज्यादा वृक्ष होते हैं, जो 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं। पंजाब का पहला मियावाकी फॉरेस्ट लगाने के लिए मैं और मेरी टीम 11, 12, 13 तारीख को भटिंडा आ रहे हैं। इको सिख के साथ मिलकर हम इस जंगल को लगाएंगे और ये जंगल लगाना सिखाएंगे भी। इस जंगल का नाम होगा गुरु नानक सेक्रेट फॉरेस्ट। तो आप लोग ज़रूर आएँ और हमारी इस 3 दिन की वर्कशॉप में हिस्सा लें। हमारे फॉरेस्ट मेकर दोस्त चरण सिंह जी का मानना है कि हर एक इको सिख कम से कम एक गुरु नानक सेक्रेट फॉरेस्ट ज़रूर लगा सकता है। तो मेरी हर इको सिख से ये विनती है कि इस वर्कशॉप में आएं और सीखें कि ये कैसे किया जा सकता है। अपने खोए हुए जंगलों को वापस लाने की इस नई सोच से हम अपनी धरती और अपना जीवन दोनों बेहतर बना सकते हैं। जब भी कहीं पर खाली ज़मीन देखें, याद रखिएगा कि वहाँ पर एक हरा भरा जंगल भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।